गया। चलो ठीक है, जो कल मैंने फोटो शेयर किया था क्वेश्चंस का, उसका आज क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। यस सर, सो मैंने आपको भेज दिया सर। हाँ ठीक है ना, है ना, मैं इसका क्लियर फोटो और भेजता हूँ, रुको मैं 5 मिनट से, तब तक स्टार्ट करते हैं, आप लोग सॉल्व करना, फिर मैं फोटो भेज दूंगा, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के फाइंड करना है हमको ऐसी इक्वेशंस के लिए जिसके जो रूट्स हैं, रूट्स कैसे हैं, रियल है और साथ ही साथ इक्वल भी हैं, ठीक है। रूट्स ये पहले कैसे से हैं, दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ो ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स आर रियल एंड इक्वल इन द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। और हमने डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन क्या पढ़ी थी, याद है किसी को? फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डी की वैल्यू किसके बराबर इक्वल होती है? के साथ डी की वैल्यू 0 जितनी होती है ना। जीरो होती है ना। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट बी जीरो का माइनस मत, फोर ए सी डिवाइडेड बाय 2 ए। नहीं वो तो आपका रूट का वैल्यू होता है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए इससे सी अपॉन अपन टू जो ए आपने लिखा है इससे हम पहचानते हैं कि क्या है। हाँ तो हमको देखो पहचानने की जरूरत नहीं है, हमको ऑलरेडी दिया है कि रूट्स कैसे हैं, रियल और आपके इक्वल हैं, मैं रियल और सारे सॉल्व इक्वल होंगे ही। होना है, इसका मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू किसके बराबर होगी, जीरो के। हाँ तो हम डायरेक्ट 0 लेके ही करें। तो अब सुनो मेरी बात, अब हमको क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है हमको, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट के, बी की वैल्यू क्या है, एक्स का कॉफिशियंट 4 और कॉन्स्टेंट क्या है 1। अब इसमें रखेंगे क्योंकि हमको इट इज गिवेन, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दैट मीन्स डी जो कि है बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है, जीरो के। बी की वैल्यू क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है के, और सी की वैल्यू 1 इक्वल टू 0, 16 माइनस 4 के इक्वल टू 0, 4 के उधर चले जाएगा प्लस हो जाएगा, के की वैल्यू कितनी आएगी भैया, 16 अपॉन 4 दैट इज 4, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन में यही करना है कि आपको क्या दिया है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है तो आपको उससे के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चंस एकदम लिख, सर, ये लिखना है चाहे मैं इस, इसको मिटाएगा नहीं। ठीक है लिख लो। ऑडियो क्लियर है भैया सभी को? हाँ हाँ सर, यस सर। बस एक सेकंड। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी। तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बाकी पिछली 2 क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल करा दूंगा आप लोग को, मैं अपलोड करना अभी भूल गया हूँ, कर देता हूँ, मैं आज कर दूंगा। सर का 15 था, वो ऑफलाइन लोगे? 19 तक रुक जाओ, अभी ये कुणाल भी आ जाए, फिर वहां पे फिर सेटअप लगाना बोर्ड वोर्ड में, उसमें सही नहीं हो रहा है ना, 3 4 दिन और बस, फिर इसके बाद ऑफलाइन शुरू कर देंगे। बीच से तो स्कूल है ही, महक भी आई नहीं है बाहर से, ठीक है। सर हम लोग स्कूल 2023 को खुलेंगे क्योंकि अभी डिले हो गया है, एक हफ्ते एक हफ्ता।
हो गया है तो भाई अभी तक नोटिस आ जा, आज स्कूल जाना था, वो 8:14 है ना, तो अरे नोटिस नहीं आ जाता तो, आज। अरे वो एक, मैं ठीक एक है और जन से पूछा हूँ, उसने बोला 16 से खुलेंगे। ठीक ठीक है, चलो है जैसे मैं भी हो वो कल बाद में आऊंगा। देखना, अब आगे क्वेश्चंस देखो है ना। अगला क्वेश्चन है kx² - 2√5x +4 = 0, ना इसमें आपको k की वैल्यू निकालनी है भैया, करो ये सब सॉल्व। थ्री एक्स हाँ स्क्वायर माइनस 5x + 2k = 0, ये सारे RDA क्वेश्चन है ना। 4x² + kx + 9 = 0, सर समय और सेम फॉर्मूला लगेगा हाँ सब में वही देखो, सबके लिए हमको दिया हुआ है कि जो उसके रूट्स हैं कैसे रियल है और ना। इक्वल है, और इक्वल रूट्स के लिए हम लोग जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब b² - 4ac = 0 होगा। इस कंसेप्ट से आप k की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। kx² - 40x + 25 = 0, सिक्स है आपके। ठीक है, इसको सॉल्व करो सब लोग। देगा किसमें बोल रहा हूँ, नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं जो ये सेकंड क्वेश्चन है, हाँ x² - 2√5x। सर जो ये हाँ माइनस 2√5x है, इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो सर हाँ 4 × 5 हो जाएगा ना, देखिए एक बार। 4 × 5 हो जाएगा, बिल्कुल। हाँ सर प्रयास में मेरा सही है। देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, बी सर सेकंड का निकला आंसर क्या आया है? सॉल्व करके बता रहा हूँ ना। ए कितना है के, आ गया है मेरा। बी की वैल्यू -2√5 और सी की वैल्यू क्या है 4। हमको सर पता है सॉल्व बी हो स्क्वायर गया। माइनस हाँ तो मैं भी तो देखूँ क्या आंसर आ रहा है, मेरे को थोड़ी पता है। b² - 4ac है ना, -2√5 का होल स्क्वायर करोगे, माइनस ट्वेंटी फोर माइनस के इंटू फोर ठीक है =0, 20 आ जाएगा ये है ना। हाँ -16k = 0, 20 cos 16k, k की वैल्यू 20/16 मतलब 5/4, हाँ सर सेम सही है सर, सेम आंसर सेम। ठीक है। अगला थर्ड वाला हो गया, ये नो सर एक सेकंड बस, -5x। क्या होगा, b² - 4ac = 0, -5 का स्क्वायर करेंगे, -4 × 3 × 2k, ये कितना हो जाना है 25 -12 24k = 0, तो 25 = 24k, k की वैल्यू हो जानी है अगर 25 यहाँ पे अपॉन 20 - 16 के = 0 हो रहा है, तो 20 = 16 हो कैसे रहा है? भाई -16 के इस तरफ आएगा तो +16 नहीं हो जाएगा। और 0 ठीक है। सर मेरा ट्वेंटी भी फाइव यही बाई है, ट्वेंटी ठीक फोर है नेक्स्ट करो। सर ट्वेंटी सर देखो फोर्थ वाले में क्या है, देखो क्या दिया है हमको, ए की वैल्यू क्या है 4, बी की वैल्यू क्या है के, सी की वैल्यू क्या है 9, क्या होगा हमारा b² - 4ac = 0, बी की वैल्यू आपकी आ जानी k² - 4 × a की वैल्यू आपकी 4 है, कांस्टेंट है 9 = 0,
के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 × 4 × 9, और के की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 4 × 4 × 9। 9 को मैं ये लिख सकता हूँ 3 × 3। तो देखो एक पेयर ये बनी, एक पेयर ये बनी, तो के की वैल्यू क्या आ जानी है, 4 × 3, लेकिन रूट हटेगा तो प्लस माइनस का साइन आएगा, इसलिए के की वैल्यू +-12। ठीक है सर, मेरी 5th की वैल्यू 8 आई है के की। रुको करते हैं 5th वाला भी सॉल्व। 5th क्वेश्चन आपका क्या है, 5th क्वेश्चन है आपका 2kx² - 40x + 25 = 0। ठीक है, तो इसमें आपका a का वैल्यू है 2k, b का वैल्यू है -40, c का वैल्यू है 25। हम जानते हैं कि b² - 4ac 0 होता है, तो -40 का स्क्वायर -4 × a कितना है 2k है ना, a हमारा क्या है सर, इसके पिछले वाले का 12 आया है जी, +-12 इंटू C की वैल्यू कितनी, 25। 25 फोर जा 100, और तो देखो उसको हम, हाँ सर प्लस माइनस 12 कैसे एक बार दिखाइएगा। तो बेटा रूट हटता है, कल ही तुमको बताया था कि -12 का स्क्वायर भी 144 होगा, +12 का स्क्वायर भी 144 होगा, कल ही बताया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1600, और ये इस तरफ जाना है तो कितना हो जाएगा 200 के, 0 0 कट गए, k की वैल्यू कितनी आ गई। आ रहा है कुणाल भी है तुम्हारा सर, वो क्वेश्चन देखने में क्वेश्चन देख रहा था 6th वाला, मैं लिख दे रहा हूँ एक में, 9x² - 24x + k = 0। आया भाई इसका, जल्दी बताओ, टाइम लगा रहे हो बहुत। क्या होगा, b² - 4ac = 0, -24 का स्क्वायर is -4 × 9 × k = 0, 24 × 24 = 4 × 9 × k। देखो भली मत मल्टीप्लाई करो उसको, 576 क्यों ही कर रहे हो, जब तुम्हारा ऐसे ही पहले काट लो, फिर सो किसी में 20, मैंने से 24 × 24 लिखा भाई, 576 नहीं लिखा। ठीक है, 3 8 जा 24 3 8 जा 24। ठीक है, 9 के अंदर 2 3 छुपे हुए थे, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 डायरेक्ट आंसर। क्यों 576 कर रहे हैं फिर उसको, उससे काटे, सिंपली रहने दो। हाँ जी मेरे 16 है, हाँ आंसर तो आना वही है ना, तभी तो कह रहा हूँ, लेकिन क्यों कॉम्प्लिकेशंस क्यों बढ़ाएं अपने लिए हम, है ना, जब सीधे सीधे आंसर आएगा तो क्यों घुमा के करें। ठीक है चलो, तो ये वाले क्वेश्चंस आए सभी को समझ में, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, ऐसे एनसीईआरटी के अंदर शायद नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर ज्यादातर आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स ही है। ठीक है, तो उस दिन हमारी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स बच गई थी, उस एक्सरसाइज की 4 वर्ड प्रॉब्लम्स थी शायद मेरे ख्याल से, है ना, उसमें 11 थी और अपने शायद 8 9 तक कर ही ली थी, तो वो डिस्कस कर लेते हैं आज। ठीक है, अपने 8 तक कर ली थी, 9 से स्टार्ट करनी है आज, 9 10 11 बचे। ठीक है, ये कौन सी एक्सरसाइज है, 4.3।
एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है ना। टू टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन, देखो इन 9 3/8 आवर्स द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर डायमीटर टू फिल वन टैंक सेपरेटली, फाइंड द टाइम इन विच ईच ऑफ देम कैन टेक। देखो ये दिया है कि एक टंकी हमको भरनी है, लेकिन उस टंकी को भरने के लिए दो नल लगे हुए हैं है ना, एक मोटा नल और एक पतला सा नल, ठीक है। और पतले वाले नल को जितना टाइम लगता है, मान लो कितना लगता है, एक्स आवर्स लगता है, किसमें, पूरी टंकी भरने में, अकेला केवल पतले वाला नल चालू करें तो कितना टाइम लगता है, एक्स आवर्स, और केवल हम अकेला बड़ा वाला या मोटा वाला नल चालू करें तो उसको 10 घंटे कम लगते हैं, उसको 10 घंटे कम लगते हैं किससे, इस वाले को से, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 10 आवर्स लगेंगे इसको, ठीक है, कितने लगेंगे, एक्स माइनस 10 आवर्स, ये चीज क्लियर है, हाँ है ना, बोलो भाई, यस सर। और क्वेश्चन क्वेश्चन में दूसरी चीज एक और मेंशन्ड है कि टू टैप्स कैन टुगेदर फिल, दोनों इकट्ठे कितनी देर में भरते हैं, 9 3/8 आवर्स, अगर हम इसको करें तो 75/8 आवर्स हो जाएगा, ठीक है, 8 9 72 + 3 75 है ना। अब देखो भाई यहां तक, और इसको अब कैसे रिलेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे यूनिटरी मेथड, ठीक है। अब हम लिखें स्मॉलर डायमीटर, या ये लिखें, रुको इसको ऐसा लिखते हैं, इक्वेशन ऐसे बनाते हैं, इन एक्स आर्स स्मॉलर डायमीटर टैप कैन फिल वन टैंक, एक टैंक भर सकता है एक्स आर्स में, तो इन वन आवर इट कैन फिल, वन बाय एक्स ऑफ टैंक इन वन आवर है ना। यदि वो मेरे को ये बताओ कि यदि कोई एक लड़का है, ठीक है, कोई एक लड़का है, वो 2 घंटे लगाता है एक पूरी चपाती खाने में, तो 1 घंटे में कितनी खाएगा, आधी आधी बोले तो 1/2, ठीक है। यदि मैं ये कहूं कि वो लड़का एक पूरी चपाती खाने में 4 आवर्स लगाता है, तो 1 आवर में कितनी खाएगा, 1/4 खाएगा। तो सिमिलरली मैंने आपसे क्या कहा कि यदि भैया कोई टैंक है या कोई टैप है जो टैंक को एक्स आवर्स में पूरा फिल कर सकता है, तो 1 आवर में कितना फिल करेगा, 1/x करेगा कि नहीं करेगा, यस सर। सिमिलरली इन एक्स माइनस 10 आवर्स, ठीक है, लार्जर डायमीटर टैप कैन फिल वन टैंक, जो बड़ा डायमीटर का, वो भी, तो 1 घंटे में वो कितना भर लेगा, 1/(x/10)/(x-10)), ठीक है। और अगर हम दोनों को साथ में खोल दें, ठीक है, बोथ टैंक्स कैन टुगेदर फिल इन 1 आवर 1/(x+)/(x-10) है ना, दोनों को 1 घंटे में वो कितना भरता है, 1/(x), दूसरा भरेगा तो 1/(x-10), और दोनों को साथ में खोलेंगे तो 1 घंटे में इतना भर देंगे कि नहीं, हाँ या ना, बोलो भाई, यस सर, हाँ सर,
इतना आ गया सर। अब ठीक है, ये हुई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमको ये दिया हुआ है कि दोनों टैप्स है ना 75/8 hours में बोथ टैप कैन फिल वन टैंक है ना, इतने घंटे में पूरा एक टैंक भर जाएगा। तो एक घंटे में कितना भरेगा, 8/75 ऑफ टैंक। यस सर। ठीक है, तो मतलब यहां से भी ये आ रहा है एक घंटे में इतना भरा, यहां से भी आ रहा है एक घंटे में इतना भरा, तो मैं इसको मिला के क्या लिख सकता हूं, 10 1/x + 1/x - 10 = 8/75। यहां से मेरे को इक्वेशन मिल गई। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, x (x - 10), यहाँ x है भाई। यहाँ तक क्लियर है ना सभी को, फिर से तो नहीं पूछोगे? अरे एक बार थोड़ा पीछे करिए, मेरे को देखना भी और स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ, वो मैं लिखने का टाइम दूंगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। सर मेरे को क्लियर है, लेकिन जब ऐसे जब एक स्लाइड घुमाई थी पीछे सर, जैसे यहाँ पे आपने था ये बॉक्स में 75/8 hours विद टैप कैन फिल वन टैंक, तो सर एक घंटे में 8/75 कैसे हो गया? देखो एक घंटे में यदि 75/8 में एक टैंक भरता है, तो 1 hour में 1/75/8 टैंक भरेगा। वन अपॉन सेवेंटी फाइव बाई एट का मतलब क्या है, 8/75, 1/75/8। इसको कैसे लिखोगे, 1 × 8/75 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो बस आ गया ये। और किसी को कोई समस्या? नहीं सर, बस एक बार पीछे कर दीजिए, मेरे को थोड़ा देखना भी है, वो मैं लिखने का टाइम दूंगा भाई, पहले भी बाकी इतना। हाँ, हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है x, यहाँ क्या आना चाहिए x - 10, यहाँ पे x - 10 इधर आएगा x, 8/75, तो कितना हो गया 2x - 10, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा x² - 10x, 8/75। अब 75 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 75 × 2x - 10 और 8 में मल्टीप्लाई करेंगे x² - 10x, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 150x - है ना 750 = 8x² - 80x। इन दोनों को इधर लेके आ जाओ तो क्या बनेगा, 8x - 80x - 150x - +750। ठीक है, क्या हो गया, 8x² - 230x + 750 = 0। अब सोचो कैसे निकालोगे इसके फैक्टर्स। 175 × 750 × 8, सोचो फैक्टराइज करो है ना। तो क्या है फैक्टर्स, है ना 6000 आया, 200 × 30 किया, इसको लिखोगे -200x - 30 + 750 = 0। यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 4x कॉमन ले लेंगे, ये x स्क्वायर है, तो यहाँ बचेगा क्या 2x, 8x ही कॉमन जाता पूरा है ना, 50x ले लें इसमें, 4 × 5 = 2200। हाँ तो 25 8 जा होता है ना। हाँ तो इसलिए मैं 8x यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो x - 25 बचेगा, और यहाँ से -30 कॉमन लेता हूँ तो x - 25 बचेगा। ठीक है, तो 8x - 30 और दूसरा आपका क्या है, x - 25 = 0। x की वैल्यू एक आ रही है 25 और दूसरी आ रही है आपकी, ठीक है, 30/8।
ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे अगर x 25 है, ये स्मॉलर डायमीटर वाले टैब को 25 आवर्स लगते हैं, उसको बड़े वाले को कितना लगेगा, x माइनस 10 मतलब 25 माइनस 10, जो कि आना है 15 आवर्स। ठीक है, सर एक सेकेंड एक सेकेंड, एक्स माइनस 10, 25 माइनस 10, तो 25 माइनस 10 भाई देखो हमने क्या लेट किया था, छोटे एक मिनट वाले सर, को वहां का बच्चा है। x लगता है तो इसको x-10 लगता है, बड़े डायमीटर वाले को अच्छा 10 आवर्स कम लगता है, ये दिया था ना समझ हमको। गया हाँ, 25 माइनस 10, ठीक है ठीक है, एक्स सर माइनस एक मिनट टेन बचा था ठीक, हाँ एक मिनट, 15 आवर्स, एक मिनट, ये स्मॉलर टैब पे 25, एक्स भैया लेट क्या किया था हमने शुरू में, वो हाँ देखो ना, और उसके नीचे आपने क्या लिखा है? और x-10 जो कि लार्जर डायमीटर का है उसको कितना हो जाएगा, 25 माइनस 10 कितना आना है, 15 आवर्स। मतलब तो सर ये स्मॉलर बड़े टाइप टाइप का को, है, स्मॉलर टाइप को 25 और बिगर, ओ स्मॉलर सॉरी बिगर टाइप को 10, 15, करें अगला क्वेश्चन भैया। यस सर। ट्रेन वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था पहले भी, है ना, तो ये 10 नंबर क्वेश्चन आज आप लोग ट्राई करोगे खुद से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में बताता हूँ, बता दूँ, आज ट्राई करना ट्रेन वाला, है ना। यस सर। देखो वो हमको क्या दिया है, द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वेयर्स, है ना, दो स्क्वेयर है उनके एरिया का सम, यदि मान लो इसकी साइड एक्स है इसकी साइड वाई है, तो स्क्वेयर का एरिया क्या होता है, एक्स स्क्वायर होगा, इसका क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, है ना। हमको क्या दिया है, एरियाज का स्क्वायर का सम कितना है, 468, और दिया डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है भैया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इनटू साइड, फोर फोर इनटू साइड फाइव, इसका 4x हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, 4y, है ना, इनका डिफरेंस हमको कितना दिया हुआ है, 24, 4 कॉमन, x-y=24, x-y की वैल्यू कितनी आनी, 24/4 जो कि होना है 6, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6+y हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो गई, 6+y। वाई अब इस उसको उठा के हम किस में रखेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में, x की जगह क्या रखना है हमको, 6+y का स्क्वायर प्लस प्लस वाई का वाई स्क्वायर, स्क्वायर हमको क्वाड्रेटिक बनानी थी, एक वेरिएबल में दो वेरिएबल की थोड़ी इक्वेशन हम सॉल्व करना जानते हैं। अब इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, 36 प्लस प्लस वाई वाई स्क्वायर, प्लस स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, 2y² प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0, 2y² प्लस 12y, है ना। अब इसमें से माइनस करो कितना आ जाए ना, सर आप कुछ भी बोल रहे हो तो पीछे से बहुत आवाज आ रही है, इसकी आवाज आ रही है भाई, हवा की। अब आ रही है हवा की, अभी कुछ बोलिए। हाँ हेलो अब नहीं है, अब कम आ रही है, मतलब आ तो रही है वो, आ रही है, अब नहीं आ वो रही है।
ठीक है, कितना आएगा भैया? 432 माइनस में, इसको 2 से डिवाइड कर दो, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0. 216 क्या होता है? 12 इंटू 6 होता है भाई. तो y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0. और यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर थोड़ा सा, y कॉमन y प्लस 12 माइनस 6 कॉमन y प्लस 12 इक्वल टू 0. एक आएगा y माइनस 6, एक आएगा y प्लस 12. y की वैल्यू आनी है 6 और माइनस 12, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती इसलिए पॉजिटिव होगी. यदि y की वैल्यू 6 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ भाई? 6 प्लस 6, x की वैल्यू आ जाएगी 12. ठीक है, तो लिख लो भाई और आज का होमवर्क सुन लो. एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.2 और एक्सरसाइज 4.3, तीनों एक्सरसाइज एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करके भेजोगे. हाँ, सुनाई दे रहा है? यस सर. और मैं कुछ दिन बाद जब ऑफलाइन आऊंगा तो वो कॉपी भी चेक करूंगा, है ना? आज की तारीख डाल के लिख लेना उसको. जी सर. यस सर. और कोई बहाना मारा जिसको नहीं करना हो, सीधा पापा से फोन करवाना कि हम बिजी थे इसलिए नहीं कर पाए. ठीक है सर, कब तक देना है? कल शाम 4 बजे. ठीक है सर, हो जाएगा. 4.1 4.2 में कोई दिक्कत नहीं है. 4.1 4.2 4.3 तीन एक्सरसाइज. ठीक है, ठीक है, हो जाएगी. ठीक है, तो लिख लो. हाँ लिख लो इसको. बस आज हो गया सर, यहीं पे खत्म करते हैं. ठीक है, हमारी थर्ड एक्सरसाइज भी हो गई. अब इस चैप्टर में और कितनी एक्सरसाइज है देख के बताओ भाई. सर आपने इधर एक्स 10 के आगे क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया है? क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग को करना है, इसीलिए नहीं बनेगा तो मैं कल बता दूंगा. ठीक है सर, 4.4 और है अभी. एक बस 4.4 ही है. कितने क्वेश्चन है उसमें? एक सेकंड सर, उसमें है 5 क्वेश्चन बस सर. उस ठीक है, फोटो भेजूं? कल भेज देना ग्रुप पे, है ना? मतलब छोटी सी एक्सरसाइज है, कर लेंगे अपन लोग, है ना? तो फिर